हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आज हम दोबारा से कंपैरिजन करने जा रहे हैं वीगो डाले का और उसके बाद लैंड रोवर का। तो देख सकते हैं सबसे पहले हम इसको आपको बॉडी दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं जी, पीछे से इसकी ऐसी लुक है। अगर आप लोग इन दोनों में से बाय करें तो आपको कौन सा करना चाहिए, देख सकते हैं आप। लुक वाइज तो वीगो ज़्यादा अच्छी है इससे, तो प्राडो से, प्राडो या लैंड रोवर जो भी है। उसके बाद अभी देख सकते हैं आप फ्रंट से भी दोनों के आगे टैग गेमर वाइटी लिखा हुआ है। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ लगे बेल बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर नए आने वाले एपिसोड आप तक आसानी पहुंच सके। तो चलते हैं हमने सबसे पहले टेस्ट की तरफ। तो ये टेस्ट हमारा होने लगा हमारा ऑफिस। पिछली बार ही मैंने किया था M2 का और S क्लास का। जिसने वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं उसका। तो वो जो सामने आपको नज़र आ रही है रिंग रोड टाइप, उसके जो साथ ही रोड जगह यहाँ पे करेंगे इसको हम कर लेते हैं रिवर्स व्हील ड्राइव पे, क्योंकि रियल में भी रिवर्स व्हील आई थिंक होती है। अब इसको आस्ते आस्ते चढ़ाते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाएगी ये, क्या परफॉर्मेंस देगी। पहले तो हमने दो गाड़ियों का टेस्ट किया था, वो तो यहाँ फेल हो गई थी। बिल्कुल लो RPM रख के इसके चढ़ाना है। तो दोबारा से कह रहा हूँ जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लगे बेल बटन पर क्लिक कर ताकि हर नए आने वाले एपिसोड आप तक आसानी पहुँच सके। तो ये तो आराम से कौन से गाड़ी यहाँ तक पहुँच जाइए, मुझे तो नहीं लगता है रुकेगी इसी वजह। फुल RPM देख के देखता हूँ चलती है नहीं। यहाँ पे गाड़ी थोड़ा बहुत जोर पकड़ी है लेकिन फिर भी इसको चढ़ाएंगे ज़रूर, क्योंकि इसकी ये नितना आ गई है तो यहाँ पे भी आया चली जाएगी ऊपर। बस यहाँ थोड़ा सा ही रहेगा, अभी RPM आए भी रखूँ बस ये पास कर दिए, इससे ऊपर की गाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि आगे से थोड़ी सी फिलहाल चलता है। अब आ गए हम अपने लैंड क्रूज़र में, इसको भी कर लेते हैं राइट व्हील ड्राइव। तो इसको भी आस्ता आस्ता चढ़ाते हैं, बिल्कुल आस्ता आस्ता। तो जिस चीज़ को मेरा स्टोरी मोड वीडियो पसंद आ रही है वो उसको भी जाके लाइक करें और नेक्स्ट एपिसोड भी इसका कुछ दिनों तक आ जाएगा, अब उस पर भी काम चल रहा है। ये तो गाड़ी यहाँ पे ही बस कर रही है, मुझे नहीं लगता कि ये ऊपर तक जाए। थोड़ा इसको दोबारा ट्राई करते हैं, इस वक्त तो हाईलक्स लवर तो ओढ़े होंगे, बोल रहे होंगे हमारी गाड़ी ऊपर चली गई है। तो टोयोटा एजेंसी हैं आज तो दोनों गाड़ियाँ टोयोटा कंपनी की हैं, लेकिन फिर हाईलक्स वाले अपने यहाँ शशके दिखा रहे होंगे सबको। ये लैंड क्रूज़र जनाब यहाँ पे बड़ी मुश्किल से पहुँची है, बस यहाँ पे आगे रुक गई है। 925 है और एक 906 जो सी है वीगो, वो 906 और ये जो 925 HP है। वेट ज़्यादा इसका आई थिंक मेरे ख्याल से, ये तो नहीं जा रही, मुझे तो लगता है यहाँ से इस पर वार्ड सी ले कर चलें तो इसी में सही है। टायर यहाँ बहुत स्पिन हो रहे हैं यहाँ से चलते, अभी इसका करते हैं रेस का टेस्ट। तो देख के देखते हैं रेस, मैं मैनुअल में चला रहा हूँ तो वो ऑटो में, देखते हैं अब कौन सी गाड़ी आके जाएगी। अगर तो ना जीते तो दोबारा ड्राइवर चेंज करके भी देखेंगे। ये इस वक्त चौथे गियर में 160 इस तरह जा रही है। गाड़ी जो चलाने वाली होती है वो ड्राइवर पर होती है बेशक हम अच्छी हो। अब ये चल रही है मैनुअल पे तो सीधे आगे है, अगर वो चल रही होती मैनुअल पे वो आगे होती, वो स्लो हो सकती है लेकिन छोड़ के देखिए कि अब देखते हैं कि यहाँ पहुँच सकती है वीगो लैंड क्रूज़र सॉरी या नहीं। तो ये जीत गई जनाब अपनी वीगो, अब करते हैं ड्राइवर चेंज करके टेस्ट। तो ये टेस्ट में भेजता हूँ रेस के लिए, हम लगा रहे 1600 मीटर की ताकि पता लगे कि गाड़ी कौन सी अच्छी है। तो ये इस वक्त मेरे पास लैंड क्रूज़र, हमने कर लिया ड्राइवर चेंज। तो ये मेरे ख्याल से तो फिलहाल हम उस पर चलाते हैं मैनुअल पे, बाद में ऑटो पे कर लेंगे, मुझे नहीं लगता है गाड़ी जिसे हमने कर लिया ये ऑटो पे। अब देखते हैं कि मेरे ख्याल से भाई कह रहे हैं कि नहीं मेरे से रेस नहीं देनी हुई, रेस को करते हैं वेस्ट। अब लगाते हैं दोबारा लेडीज भी दीवाए, इसमें थग और वार का भी ऑप्शन होना चाहिए इसके हमें। तो ये दम आ गए अभी अब दोबारा, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हम आहिस्ता आहिस्ता रेस देंगे। इस वक्त हम ऑटो पे जा रहे हैं, आगे से मेरा दिल तो है मैनुअल कर लें क्योंकि हारने ना दें हम इसको, ये ड्रा करें। देख सकते हैं अभी हमने रेस छोड़ के दी है, लेकिन नहीं जो तेज़ गाड़ी है वो तेज़ ही है। वीगो इज़ द किंग ऑफ रोड, वैसे अगर रील में देखा जाए तो इधर बहुत, लेकिन ये तो क्या मैं इसमें तो कौन सी अच्छी है। मैं तो आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप बाय करें तो आप बाय करें इसको 900 या 1 करोड़ के अंदर गेम में,
ये है जी इसका ब्रेक टेस्ट, देख सकते हैं गाड़ी यहाँ पे आकर रुक गई। हम यहाँ थोड़ा सा टायर स्पिन करके यहाँ पर निशान डाल देते हैं ताकि हमें यहाँ पर निशानी रहे, नहीं तो अपने भाई को बुला के यहाँ खड़ा कर देते हैं। चलो जी आप यहाँ खड़े हो जाओ, थोड़ा सा पीछे बस ठीक है। अब आ गए हम अपनी वीगो पे, ये बिल्कुल यहाँ पे वीगो थोड़ी सी आगे चली गई है। इस टेस्ट में मुझे लग रहा है कि वीगो जी आ रही है, सॉरी अब देखते हैं वो गाड़ी डाक है, साफ आ रही है पता लग गया। लेकिन हम कुछ बंदे इस तरह होते हैं कि बोलते हैं नहीं जी नहीं वीगो जीती है। तो ये अब हम आ गए देख सकते हैं बिल्कुल टायर के ऊपर मैंने टायर रखे हैं अपने, तो अभी भी इससे आ गया है वीगो। इसका मतलब है वीगो ये ब्रेक टेस्ट आ रही है। अब हम इसके बाद करते हैं इंटीरियर टेस्ट, पहले आपको मैं दिखा लूँ ना, बाद में आप लोग बोलो कि ये कोई दो नंबरी की है स्क्रिप्टेड किंग ये वो, ये हम स्क्रिप्टेड किंग नहीं है आप लोग ये ना सोचना कि स्क्रिप्टेड किंग करें। तो अब चलते हैं इसका इंटीरियर टेस्ट करने की तरफ। ये यहाँ से ये इसका इंटीरियर आप लोग देख सकते हैं कितना हैवी इंटीरियर है, ये 7 LCD लगी हुई है। तो ये बस इस गेम में ये होना चाहिए कि LCD वर्क करे फिर मज़ा असली। तो ये आगे हम अपने लैंड क्रूजर के इंटीरियर में देख सकते हैं, अपनी लैंड क्रूजर भी इसका भी इंटीरियर अच्छा है, लेकिन लैंड क्रूजर का उस तरह नहीं है जिस तरह वो उसका है वीगो का। तो इसका भी एक पॉइंट चला गया वीगो को, टोटल थे 4 पॉइंट जिनमें से 3 पॉइंट जीत गया वीगो और एक ये। तो न्यू वीडियो के लिए जाता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।